रहीम। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो ये है कि बकरे को खुराक कौन सी दें, इनके खुराक रूटीन कैसी रखें बकरे की। ये जो मैं रूटीन बताने लगा हूँ ये रूटीन बकरे के गली वाली बकरे की नहीं है, जो वैसे ही सादे बकरे रखे हुए हैं गली पे नहीं लगे हुए, ये उनों की खुराक है। ठीक है, उनों की रूटीन है ये वाली। आप सुबह उठते साथ बकरे को दाना दे लें, दाना देने के फौरन बाद तेल उसको दे दें बकरे को। जो तेल का मैंने पहले बताया हुआ किस तरह तेल बनाना है वही तेल दे लें। रूटीन भी जो छोटे बकरे की बड़े बकरे वो भी बताइए वीडियो में, वैसे रूटीन रखें। दाने के बाद आप उसे तेल दे लें, तेल देने के बाद 4 घंटे तक बकरे को रेस्ट देना है ताकि वो दाना हजम कर ले, तेल भी हजम कर ले। 4 घंटे बाद आपने उसे पट्ठे दे देने हैं। पट्ठे आप कौन से देने हैं, लूसन अगर मिल रहा है वो तो सबसे बेस्ट है, अगर नहीं मिल रहा तो सोला दे लें क्योंकि सोले का मौसम है, वो ही दें। मकई बकरे को देने से ज़्यादा परहेज़ किया करें क्योंकि बादी बड़ी है मकई में, तो फिर उसे पट्ठे दे लें। पट्ठे देने के तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद आप रात को उसे दूध दे लें। ठीक है, दूध जितनी किसी की कैपेसिटी है, कोई किलो दे लें किलो दे लें, आधा किलो दे सकते हैं वो दे लें। वो देने के बाद दूध, हाँ दूध के अंदर हल्दी डालें थोड़ी ताकि बकरों की ज़रा हड्डियाँ वगैरह ना वो ज़रा मजबूत रहें, और हड्डी से हल्दी से ये भी होता है कि बकरा खुराक भी ज़रा सही जल्दी हजम कर जाता है और बकरा रहता भी ज़रा ताकत में है, क्योंकि हल्दी में बड़ी अल्लाह ताला की ना एक नेमत है हल्दी ये वाली। ठीक है, आप दें हल्दी, ये रूटीन रखें बकरे की। और ये जो रूटीन बता रहा हूँ ये गली वाले बकरे की नहीं है, ये सादे बकरे की हैं जो गली पे नहीं लगे हुए, क्योंकि गली वाले बकरे को खुराक के साथ और बड़ा कुछ देना पड़ता है, बड़ा कुछ मतलब 2-3 चीज़ें हैं वो देनी पड़ती हैं ताकि खुराक हजम करे वो। अगर किसी ने गली वाले बकरे का पूछना हो तो वो भी पूछ लें, अगली वीडियो गली वाले बकरे की बना देंगे, खुराक उसकी रूटीन क्या है। ठीक है, तो वो उसी रूटीन के साथ आप उसे गली वाले बकरे को खुराक दें। और खुराक का तकरीबन रूटीन यही है गली वाले की भी, पर उसमें ये है कि आपको कुछ चीज़ें ना उसे देनी पड़ती हैं ताकि वो खुराक हजम करें, क्योंकि गली वाले बकरे पे लोड बड़ा डालना पड़ता है, लोड होता है उस पे, तो लोड की वजह से खुराक जल्दी हजम नहीं कर सकता वो। तो फिर कुछ चीज़ें हैं कि आप उसे दें ताकि खुराक जल्दी हजम करे वो। ठीक है, अगर और किसी चीज़ कोई बात पूछनी हो तो बताएं, इंशाल्लाह मैं बताऊँगा। ठीक है, हाँ जी सर जी, मैं देख रहा हूँ कि बंदे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ वो भी सब्सक्राइब कर दें चैनल, और लाइक भी कर दें शेयर भी कर दें, मेहरबानी है आपकी, ताकि थोड़ी मोटिवेशन हमें मिले तो फिर आगे मज़ीद वीडियो में अपलोड किया करूँ। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।